हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है कि अर्थ के सरफेस पे एक सैटेलाइट है जिसका मास क्या है स्मॉल m, इसको 2r हाइट पे जो ऑर्बिट है उसमें इस सैटेलाइट को भेजना है। सैटेलाइट को जिसका मास स्मॉल m है उसको 2r हाइट वाली ऑर्बिट में भेजना है। तो फ्रेंड्स हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पे इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें सो दैट इट कैन रीच अप टू एन ऑर्बिट एट हाइट 2r। तो फ्रेंड्स देखते हैं कैसे बनाना है इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ऑर्बिट की अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, अर्थ की रेडियस सेंटर ऑफ अर्थ से अगर बात करें इस ऑर्बिट की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि सारे फोर्सेस जो कैलकुलेट करने हैं, जो भी कैलकुलेशन होनी है वो सेंटर ऑफ अर्थ से होनी है। तो फ्रेंड्स ऐड कर बात करें सेंटर ऑफ अर्थ से इस ऑर्बिट की डिस्टेंस, तो वो कितनी है, स्मॉल r प्लस 2r, तो ये कितना हो गया 3r। तो फ्रेंड्स टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की एनर्जी होगी, जब वो सैटेलाइट ऑर्बिट में है। तो फ्रेंड्स अगर वो ऑर्बिट में है तो वो घूम रहा होगा किसी वेलोसिटी से, तो फ्रेंड्स ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है सैटेलाइट की, रूट अंडर जी एम बाई आर। और फ्रेंड्स हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने भी आता है, क्या आता है, दो बॉडीज जो कि एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे हैं उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालना भी आता है। क्या होता है फॉर्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gm1m2/r। तो फ्रेंड्स इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हैं यहाँ पे और वैल्यूज पुट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ½mv² + -gm, m क्या है, ये अर्थ का मास है, m क्या है अर्थ का मास है, इंटू स्मॉल m ये क्या है, ये सैटेलाइट का मास है, डिवाइड बाई r, -g M/r, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी है और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी है। अब ऑर्बिटल स्पीड रख देते हैं इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, ½m² √gm/r² - gM/r। अब ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या, स्क्वायर होगी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, ½gm/r - gM/r। ये सब्ट्रैक्ट होगा, देखो ये और ये सेम एक्सप्रेशन है, ये वन है ये हाफ है, तो नेट कितना बचा, हाफ बचा, क्यों, क्योंकि -1 और +1/2 है, तो ये -1 gm/r। और फ्रेंड्स ये जो स्मॉल r है, स्मॉल r की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाए, तो ये क्या हो, तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3r हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना बचेगा, कितना हो जाएगा मतलब 6r। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, काइनेटिक, इसकी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट, इसको ई ऑर्बिट बोलें तो क्या हो जाएगा, -gm/r।
ऑल राइट। तो फ्रेंड्स बात करें अगर एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट सरफेस ऑफ अर्थ, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रेंड्स जब तक कि हम उसको कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं तब तक उसकी कितनी एनर्जी है, तब तक फ्रेंड्स उसकी एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कोई है नहीं, रेस्ट में है। और पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, माइनस जी एम बाई जी एम स्मॉल एम बाई आर, माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर। तो फ्रेंड्स ये सिचुएशन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सैटेलाइट को लॉन्च, सैटेलाइट को इतनी एनर्जी देनी है सो दैट इट कैन रीच अप टू अ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड 2R। तो फ्रेंड्स क्या करें, एनर्जी ऐड कर दें इस, ये जो अर्थ के सरफेस पे इसकी जो एनर्जी है उसमें कुछ एनर्जी ऐड कर दें, और तो इसकी ये एनर्जी किसके बराबर हो जाए, इसकी एनर्जी बराबर हो जाए उस एनर्जी की जो सैटेलाइट की ऑर्बिट में है, सैटेलाइट की ऑर्बिट में जो उसकी एनर्जी है। तो ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो फ्रेंड्स ऐड कर देते हैं, तो E प्लस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर इक्वल टू माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई सिक्स आर। तो ये यहां से चला जाएगा इधर की तरफ, लेफ्ट से राइट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई सिक्स आर। दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा, फाइव जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई सिक्स आर। तो फ्रेंड्स इतनी एनर्जी चाहिए इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, उस ऑर्बिट तक, उस ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जिसकी हाइट क्या है 2R। तो फ्रेंड्स ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, यही कुछ तीन चार कॉन्सेप्ट को मिला के बनाया हुआ क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में।